नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी की बड़ी खबर, कैबिनेट ने यानी कि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। अब आपको भी लग रहा होगा कि अचानक से इतनी सारी खबरों के बीच में आज ही कश्मीर के पहले फेज का चुनाव खत्म हुआ है और अचानक से शाम होते होते ये खबर आ गई कि कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब सिर्फ मैटर ऑफ टाइम होगा कि इसको सरकार इंप्लीमेंट करने के लिए सोचेगी। मैं कोट और अनकोट में कर रही हूँ, क्योंकि इस चीज को, इस निर्णय को लागू करना इतना आसान नहीं। सरकार की आलोचना इसी बात को लेकर हो रही है कि ये वो सरकार थी जो कि एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव नहीं करा। अभी भी दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप महाराष्ट्र के और झारखंड के साथ कर दीजिए, उसको लेकर भी अभी कोई बातचीत नहीं है, कब चुनाव का घोषणा होगी। लेकिन अचानक से एक देश एक चुनाव, कई लोग कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने का काम मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी पर जो पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बीजेपी के नेता। आज उन पर FIR भी दर्ज हुई है, आज कंप्लेंट लिखी गई दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर। तो क्या इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक देश एक चुनाव का शगुफा छोड़ा गया है? अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए मोदी सरकार केवल जुमला नहीं समझ रही है और उसको लागू करेगी, तो क्षेत्रीय दलों का क्या होगा, छोटी पार्टीज का क्या होगा? लोग इसके ऊपर भी बात करने लगे हैं। SC ST OBC के विरुद्ध जाएगा ये पूरा, इसको लेकर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज ये एक देश एक चुनाव, मोदी सरकार का ये शगुफा क्यों इस समय आया है और अचानक से इसको लाने का क्या कारण है, आज इसको समझेंगे। हमारे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान है, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता प्रवल जी, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। तो कमल कृष्ण रॉय, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील है हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी। शाही साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। कि अचानक से एक देश एक चुनाव की मंजूरी मोदी कैबिनेट ने दे दी, इसके पीछे आपकी मंशा, आपको क्या लगता है कि क्या मंशा है सरकार की? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, RSS, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोग फंस रहे थे। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी के ऊपर लोगों ने अटैक करने के, जान से मारने की धमकी वाला जो स्टेटमेंट बिट्टू का रहा या मारवा का रहा या वो गायकवाड़ जो शिंदे गुट के विधायक है वो रहे या रघुनाथ सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सब ने राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी। और इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई है देश के अंदर, वो राहुल गांधी है। जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जातिगत जनगणना का विषय हो या बाकी अन्य विषय हो, जिस हिसाब से राहुल गांधी एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं देश देश का, जिसकी जितनी हिस्सेदार आबादी हो, उतनी हिस्सेदारी हो, ये सब बातें वो कर रहे हैं। वो अडानी और अंबानी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, RSS के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो देश में बोल रहे हो चाहे विदेश में बोल रहे हैं। इससे RSS और भारतीय जनता पार्टी की चूहे हिल गई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल जो घटनाएं लेबनान में हुई है, जिस हिसाब से पेजर को ब्लास्ट कराया गया है और सैकड़ों हजारों ब्लास्ट हुए हैं और सैकड़ों लोग उससे वुंडेड हुए, हजारों लोग वुंडेड हुए हैं और काफी लोग मतलब घायल हुए हैं, कई लोग मारे गए थे। इसके पहले भी आपको याद होगा इजराइल से एक पेगासस नाम के जासूसी सॉफ्टवेयर राहुल गांधी जी के मोबाइल में डाला गया था। तो क्या कोई RSS और मोदी नहीं, वो सब तो ठीक है राहुल गांधी के बारे में, वो हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा भी हुई है, लेकिन अचानक से एक देश एक चुनाव अगर मोदी सरकार इसको लागू करने के लिए गंभीर हो गई है, तो फिर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? राहुल गांधी का मसला थोड़ी देर के लिए हटा, मैं बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी पर जो ये फंसे हैं उससे निकलने का ये किया है इन्होंने, ये शगुफा तुरंत बदल दिया इन्होंने। वन नेशन वन इलेक्शन, अरे भाई वन नेशन वन इलेक्शन है तो आप जो है आप हरियाणा और महाराष्ट्र में जी। भाई साहब एक सेकेंड, लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम एक देश एक चुनाव को जल्द लागू करेंगे। अभी जब कल जब 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 दिन के पूरे होने की रिपोर्ट में भी एक देश एक चुनाव को लागू करने की और इसी ट्यून्योर में लागू करने की बात थी,
तो फिर क्या कहेंगे? अभी चुनाव आयोग हालिया बयान आपने सुना होगा, इसी सितंबर में जब ये सॉरी अगस्त में जब घोषणा हो रही थी चुनावों की, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की ही बस बात हुई चुनाव कराने की, हिम्मत क्यों नहीं हुई तो महाराष्ट्र और झारखंड में तो नहीं चुनाव कराए गए? वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो चार राज्यों में खास चुनाव करा नहीं पा रहे हैं कमीशन, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि पूरे देश में? अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कल गिर जाती है तो क्या 5 साल तक लोग इंतजार करेंगे? जैसे जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 साल बाद चुनाव कराए, तो क्या लोग चुनाव के लिए वहां पर बिलखेंगे? क्या अपनी सरकार को बनाने के लिए बिलखेंगे, अपने हकों के लिए, हकूकों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए रोज जो है दिल्ली की तरफ ताकेंगे, मोदी और अमित शाह के हाथ जोड़ते रहेंगे? ये पूरा तानाशाही को लाने का एक नया षड्यंत्र है जिसमें मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी ये सब शामिल है, आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी। वन नेशन वन इलेक्शन जुमला है, एक बोगस आइडिया है। आपने बोला कि एक देश एक चुनाव एक बोगस आइडिया है, लोकतंत्र को खत्म करने का एक जरिया है और तानाशाही को लाने का भी एक रास्ता है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, एक देश एक चुनाव आपको लगता है कि जो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है ये केवल जुमला मात्र है या वाकई में मोदी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी? देखिए ये बहुत खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए, और इसमें कुछ इमरजेंसी की आहट आ रही है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे और ये अनिल भी बैठे, अनिल जी से वरिष्ठ पत्रकार यहाँ कोई नहीं है, बताए कि सारा देश मांग कर रहा था कि वो 4 राज्यों चुनाव एक साथ कराइए, अब 5वां राज्य दिल्ली है, उसके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको भी शामिल करिए, इन्होंने उसको भी कराने में असफलता जाहिर की। हमारा जो ये तोता बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन के नाम पे, उसने भी कश्मीर के सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का बहाना लेकर कहा कि नहीं करा सकते हैं। अब जो इनको रिपोर्ट मिल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और ये कहीं इस कैबिनेट के डिसीजन के बाद अमेंडमेंट करके इन चुनाव को न रोक दें, इन चुनाव की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के छोड़िए ये कैबिनेट नामक कोई चीज है ही नहीं। मोदी जी के पूरा कैबिनेट कोलैप्स हो चुका है। नंबर 2 पर 6 गृह मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, उनको आपने देखा कैसे राजस्थान में जेब में उनको पर्ची लेके भेज दिया था कि आप जाकर वहां मैडम को दे दीजिएगा कि ये चीफ मिनिस्टर अनाउंस करिए। तो इस देश में जिसको आज बहस हो रही कि वही अगले प्रधानमंत्री हो सकते, वो पर्ची मास्टर उनको बना दिया। कैबिनेट सिस्टम है कहाँ? कोई आपने सुना कि कैबिनेट में कोई बहस हुई, किसी ने डिसेंट किया, किसी ने नया सलाह दिया? ये तो 2 लोगों की सरकार है, और ये सबसे बड़ी बात है कि किसने कहा कि रॉय साहब 1 सेकेंड, आपको क्या लग रहा है कि ये केवल एक जुमला है या फिर वाकई में मोदी सरकार इसको गंभीरता से इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रही है? यह गंभीरता से इम्प्लीमेंट करने के जरिए इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को यह डिमोलिश करना चाह रही है। हम कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाह रहे हैं। संविधान बदलने के कई रास्ते हैं। संविधान बदलने का पहला रास्ता है कि आरक्षण खत्म कर दो, लेटरल इंट्रीज के जरिए आप अपॉइंटमेंट करिए, आप जो है फेडरल स्ट्रक्चर खत्म करिए, वन नेशन एंड वन इलेक्शन कर दीजिए। आपने इलेक्शन कमीशन से मांगा कि आप इस पे राय दीजिए, आप कानून बनाइए, इलेक्शन कमीशन की बात आपको मानना चाहिए। 117वीं रिपोर्ट में जस्टिस बी एस चौहान ने कहा इलेक्शन नाइदर फिजिबल नॉट पॉसिबल, ला कमीशन कह रही है कि ये एक वन नेशन वन चुनाव न तो स्वीकार है न संभव है। तो आप जो है जिसकी कमीशन की बात कर, रामनाथ कोविंद, अनिल जी बताएं कि हिंदुस्तान में कभी राष्ट्रपति को बड़े बाबू बनाकर भी उनसे काम लिया गया है?
कब कोई राष्ट्रपति किसी कमीशन को हेड किया है, कोई किसी राष्ट्रपति को कहा गया कि आप उस पर कमेटी बनाए विचार दीजिए, उस कमेटी के आठ लोगों का नाम चाहिए तो मैं पढ़ दूं, एक भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। ये थके थकाए नेता और थके थकाए ब्यूरोक्रेट्स के जरिए इन्होंने कमीशन बताया। और रामनाथ कोविंद क्या है, ये लोग वो है जो तोता पार्टी के जो रेबर स्टंप प्रेसिडेंट। आप कहते मैंने दलित को बनाया राष्ट्रपति, मैंने आदिवासी को बनाया, यही रामनाथ कोविंद साहब का यही काम है कि इस देश के संविधान को तहस नहस कर जाए। भारत का राष्ट्रपति भारत के संसद का अंग होता है, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा इज द पार्लियामेंट। और आप उसका क्या करेंगे जो संविधान में अनुच्छेद 83 में है, अनुच्छेद 172 में है कि एक संसद होगी, विधानसभाएं होंगी, और 324 में जो इलेक्शन कमीशन को अनुच्छेद कहा गया कि एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन में आपके पाले पोसे लोग बैठे हुए हैं। हमें तो लग रहा है कि कोई ऐसा कदम, क्योंकि इनको लग रहा है कि हर बॉम्बे में भी आ रहे महाराष्ट्र के चुनाव, मेरा अनुमान है कि हार जाएंगे, तो मेरे वरिष्ठ साथी इसको बताएंगे। हर तरफ से पराजय की आंधी चल रही है इनके खिलाफ। ये वन नेशन वन इलेक्शन करके हिंदुस्तान के चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव गांधी ने कितना बड़ा काम किया था 72वां संविधान संशोधन करके, कि वो उन्होंने पंचायतों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, वो स्टेचुटरी बॉडी नहीं रह गई थी, वो संविधान के द्वारा प्रदत्त एक संस्था बनाए, उसको सारा पावर दिया, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के सिद्धांत को लागू किया था। आप इसको सबको तहस नहस कर देना चाहते हैं। आपको लग गया कि 75 साल पूरा होते ही संघ आपको एक दिन भी बैठने नहीं देगा, इसलिए इस देश के पार्लियामेंट को, इस देश के पूरे चुनाव की व्यवस्था को, जिससे जनतंत्र चल रहा है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जुमला नहीं है, ये बहुत खतरनाक ये एक दूसरे रूप में इस देश में इमरजेंसी थोपने की साजिश कर रही। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि किसी आदेश के जरिए ये जो चुनाव हो रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया को रोक लगा दें। इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से एक इम्पॉसिबल एक्सरसाइज है, संभव ही नहीं है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए तो उस सरकार का क्या होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी जी मान लीजिए चले जाएंगे तो 2027 तक क्या दिल्ली के चुनाव टाले जाए, क्या हरियाणा के भी चुनाव टाले जाए, वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू करेंगे। इसके खतरे को भांपना चाहिए। बिल्कुल रॉय साहब, आपने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, अचानक से कैबिनेट ने ये मंजूरी दी और इसके पीछे का आपको कारण क्या लगता है कि अचानक से ये डिसीजन लाना? ठीक है, ये बात तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से भी कही थी कि हम एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे, फिर अभी थोड़े दिन पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन इतनी जल्दी कैबिनेट मंजूरी देकर इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? देखिए, मैं राय जी से पूरी तरह सहमत हूँ और उन्होंने बहुत ही सही ढंग से बताया कि किस तरह से ये जुमला नहीं हमला है, इसको जुमला मत समझिए, ये हमला है। और ये हमला है संविधान पर, ये है फेडरलिज्म पर, असल में है फेडरलिज्म पे हमला। वो जो स्वायत्तता जिसकी चर्चा की अभी उन्होंने राजीव गांधी ने दी, जो हुआ ये कि जो लोकल लेवल पे सारा कुछ मतलब पावर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया क्या कि जो यूनिटरी पावर है वो कम होंगे, फेडरल पावर्स ज्यादा होंगे राज्यों को, और नीचे जो उनका यूनिट है पंचायत तक को स्टेचुटरी पावर्स दिए। तो ये जो चेंज था, ये चेंज एक्सेप्टेबल नहीं था। ये जो सरकार मतलब जो कॉरपोरेट की सरकार है या कॉरपोरेट के जो पार्टियां हैं, क्योंकि ये डिसीजन सामान्य खदान आपके हैं। अब देखिए, समझिए, ये बात आपको समझाना पड़ेगा, खदान का फैसला कौन लेगा? खदान का फैसला ये बना था, वो कानून धीरे धीरे खत्म करा दिया इन्होंने कि खदान अगर है किसी पंचायत में तो पंचायत वहां के जो ग्राम सभा है उसकी इजाजत के बगैर जो है, उसके बिना सहमति के आप वो नहीं उसको टेंडर कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब डाइल्यूट किया। तो ये है रिसोर्सेस बेचने के लिए
देश में एक ही तरह, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा का शासन हो, इसका ये है। आप देखिए इसको जोड़ के देखिए, विपक्ष मुक्त भारत ये क्यों कह रहे थे, वही कह रहे थे, लेकिन अंतर क्या आ गया है जो हमको लग रहा है करना अब इनके लिए कठिन होगा, इतना आसान नहीं होगा कि ये राज्यों को इस तरह से कर दें। एक तो एक जानकारी लेकिन पहले समझना चाहिए लोगों को, 1967 तक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से हो रहा था, जैसी जरूरत थी वैसा चुनाव हो रहा था। मुझको नहीं याद आता है कि विधानसभा का कोई इस बीच में कोई दूसरा ये इलेक्शन हुआ हो, मिड टर्म इलेक्शन 67 के पहले। 67 के बाद जब डिफरेंट पार्टीज आ गई, अलग अलग पार्टियां, उस समय भी यही था कि कांग्रेस चूंकि सेंटर में भी थी, राज्यों में थी एकाध सरकार छोड़ करके, तो उसके बाद कोई जरूरत न, मतलब यो अपना इलेक्शन चल ही रहा था, सरकारें स्थिर थी, इसके बाद अस्थिर सरकारें आई। अब उसके बाद होने लगा कि भाई जिनको जैसी जरूरत है इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। मैं आपको बताता हूं, हम लोग तो उस मूवमेंट से आए हैं जो कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर बीच में करप्ट हो जाए सरकार, यही आंदोलन था, स्टार्ट इसी से हुआ कि अब्दुल गफूर की सरकार जो है वो करप्ट है, उसको उतार दो गद्दी पर। तो ये डिबेट हुआ कि वो चुनी हुई सरकार है क्यों उठाया जाए, कहा जनता को जब लगे कि उसका प्रतिनिधि बेईमान हो गया है, उसका प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है, तो उसको कभी भी उतारने का हक होना चाहिए। और ये बल्कि इसका प्रतिनिधि वापसी के अधिकार के लिए लंबे समय तक मूवमेंट चला, मतलब अभी भी कई संगठन ये अधिकार मांगते हैं, जिसमें ये नोटा वाला अधिकार भी उसी के तहत आया है। तो वो जो है प्रतिनिधि वापसी का, अब यहाँ उसका ठीक उल्टा है कि 5 साल तक आप हाथ पांव बैठे रहिए, तब तक मोदी जी लिख देंगे अडानी को सब कुछ, आप चुपचाप बैठे रहिए और इस बीच में आप कुछ नहीं बोल सकते। ये है असल में, ये जो जुमला नहीं हमला है, और ये इनकी इनके संदेह, मतलब जो इनको अंदेशा है उससे मैं सहमत हूं कि ये इमरजेंसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। संभव है कि ये इलेक्शन इसको पोस्टपोन करें या कुछ करें, या कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं गद्दी से उतर। देखिए अनिल जी, मैं नहीं, एक सेकेंड अनिल जी, आपने क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने, इसीलिए मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे कि अनिल जी मुझे ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में झारखंड में जो चुनाव है, क्या उस चुनाव को अब रोका जाएगा या टाला जाएगा ये एक देश एक चुनाव के आधार पर, कि भाई ठीक है अब हम रोक देंगे। उनको पता तो है कि महाराष्ट्र में पिट रही है बीजेपी, झारखंड में भी बहुत बुरा हाल है, बाकी हरियाणा में भी जीतने नहीं वाली, जो बात अभी कह रहे थे रॉय साहब, तो क्या अब महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा ना होनी होनी पड़े वो ना हो, इस वजह से एक देश एक चुनाव के इस कैबिनेट को मंजूरी दी? इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। मैं आपको एक चीज आपको बताता हूं कि इसकी संभावना इसलिए है कि ये दो चुनाव इन्होंने अलग इसीलिए किया कि उनको लग रहा था कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैनेज करने वाला कुछ सिचुएशन दिख नहीं रहा है। वहां पर ऐसा है, हरियाणा और कश्मीर में ये लूज करने जा रहे हैं, ये दीवार पे लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने इसीलिए अलग किया था कि चारों एक साथ नहीं हारना है। अब ये अगर दो इलेक्शन हार गए तो एक तो स्टेटहुड देने के को नहीं देंगे उसको कश्मीर को, मतलब ऑटोनॉमी से इनकी दुश्मनी है, और दूसरा है कि हरियाणा में अगर जीत गए दोनों तो फिर इसके बाद दिल्ली में, झारखंड में, और जो ये है क्या कहते हैं महाराष्ट्र है, और झारखंड और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, आगे दिल्ली और फिर बाद में वहां का है, बिहार का है, तो ये इलेक्शंस भी नहीं, ये कहेंगे कि एक साथ ही कराना है, सब बंद करो। हो सकता है कि मिड टर्म चुनाव घोषित कर दे और लोकसभा का ही चुनाव एक साथ, जो मध्यावधि पॉसिबल, एकदम एकदम संभव है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए इसमें जो है ये नीतीश कुमार वगैरह इनके साथ है। नीतीश कुमार पहले से ही कह रहे हैं कि प्रीपोन करो हमारा इलेक्शन, वो जो पहले है वो चाहते थे कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ हो जाए, वो सब भी यही है कि ज्यादा समय तक जनता बेचे न रहे, हमको हराने के लिए तैयारी न करे, जल्दी जल्दी चुनाव जीत करके आ जाओ किसी तरह, जैसे इस बार किया। और अच्छा कहा इन्होंने, हम लोग अभी सीबीआई को ही एक तोता समझते थे, हरे रंग का तोता के टाइप का, ये दूसरा लाल रंग का भी तोता है जो उनके पास है, ये आपको पता चल गया।
नहीं नहीं लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार इनके साथ होंगे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चुनाव प्रीपोन हो जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो अभी नए नए चुन के मुख्यमंत्री आए हैं क्या वो साथ देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब शाही साहब आपके पास आ रही हूँ कि अब अगर चुनाव पोस्टपोन होते हैं या चुनाव नहीं होते, उसकी घोषणा ही नहीं होती क्योंकि एक देश एक चुनाव लागू होगा, तो क्या करेगी विपक्ष और खासकर कांग्रेस जिसका बहुत ज्यादा स्टेक है महाराष्ट्र में इस समय, और ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, तो आप लोग की तरफ से किस तरीके की कवायद अब शुरू होगी? क्या आप कोर्ट जाएंगे, किस स्टे मांगेंगे इस रिपोर्ट पर, क्या होगा, कैसे जो आपका लीगल मूव होगा या पॉलिटिकल मूव होगा, इसको कैसे आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, इसको दो तरफ से देखना पड़ेगा, इसको एक तो पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना पड़ेगा और दूसरा अपने संवैधानिक विशेषज्ञों से इस पर राय लेनी पड़ेगी, राय लेकर इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया सकता है, ये दोनों तरीके से होगा। और ये जो बात मैं कहा हूं कि ये बोगस आइडिया है, टोटल बोगस आइडिया है और लोकतंत्र को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है ये, नए तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लाने की एक नई शुरुआत। अब ये बताइए, जहां तक आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी का जो 240 जो सीट पाई बेईमानी से, 80 अपाना था, 60 सीटें और बेईमानी से जीती हैं, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बैसाखी से चल रही, क्या नरेंद्र मोदी अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना चाहते हैं, देश के अंदर मिड टर्म्स कराना चाहते हैं और उसके साथ साथ झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, अन्य राज्यों के भी चुनाव वो कराना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन में यही होगा, या सारे राज्यों के की विधानसभाओं को भंग करवाएंगे और भंग करवा के पूरे देश में चुनाव करवाएंगे? तो मुझे लगता है कि साउथ की तमाम स्टेट्स दल और इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स इसके खिलाफ जाएंगे और नरेंद्र मोदी को फिर से मात मिलेगी इस मुद्दे पर भी, ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जनता समझ रही है चीजों को। मैं अभी हरियाणा में 20-25 दिन रहा, पार्टी के कामों से रहा, और मैंने जो देखा वहां पे जनता लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी तो है ही लेकिन जनता लड़ रही है, जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है। तो नरेंद्र मोदी देश की जनता से लड़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे, कांग्रेस पार्टी से तो खाएंगे ही खाएंगे, देश की जनता से भी लड़ाई लड़ेंगे तो मुंह की खाएंगे। इसलिए ये जो आइडिया है, ये आइडिया जो आइडिया इन्होंने लाया है, बोगस आइडिया है और इस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। इस आइडिया का एक ही इनका उद्देश्य है कि तमाम मुद्दों से दिग्भ्रमित कर दो, और नरेंद्र मोदी ने एक एजेंडा किया था, अब उनके पास कुछ है ही 100 दिन में दिखाने के लिए, रोजगार के लिए विषय पर क्या किया उन्होंने, बाकी अन्य विषयों पर क्या, महंगाई पर क्या, सब पे फेल है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का सिर्फ़ छोड़ दिया है, अब हम सब लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं, अब डिबेट में भी एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिबेट में भी एक्सपोज हो रहे हैं, और ये तानाशाही का कदम है। नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को चलना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चलना चाहते हैं, और इसी तरह वो लेटर एंट्री भी लाते हैं। देखिए, आप आरक्षण को समाप्त करने के लिए लेटर एंट्री भी लाते हैं, वही है। शाही साहब, अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर आप कर रहे हो, मैं जी, ये इसको चुनौती तो आप लोग देंगे, आपने कहा कि इसको पॉलिटिकली भी और लीगली भी इसको हम लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कैसे भी ये अगर लागू हो जाता है तो छोटी पार्टियों का, छोटे दलों का क्या होगा, छोटी जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, क्योंकि इसको लेकर ये भी बहस है कि भाई क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये कवायद है एक देश एक चुनाव लाने के लिए, और इसके सबसे नुकसान में रहेंगी ये छोटी क्षेत्रीय दल, तो इनका क्या होगा, इनका तो वजूद खत्म हो जाएगा फिर। देखिए, लड़ेंगे सब लोग, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स और क्षेत्रीय गठबंधन में जो इतने भी दल हैं वो सब लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी इस भी विषय पे, मैं बता दे रहा हूं, ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। आप बताइए, 5 वर्षों से, अभी मैं आपको हरियाणा का बात बता दे रहा हूं, हरियाणा में 10 सालों से इनकी डबल इंजन की सरकार है, नगर निगम का ठेका, कूड़ा उठाने का ठेका गुजरात की कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने दिलवाया, एसडीओ की 50 सीटें आई, उसमें 35 जो है गुजरात के लोगों को नियुक्ति की गई, सारे माइंस का ठेका करीब करीब वो गुजरात की कंपनियों को दिया गया है, सड़क बनाने का ठेका गुजरात की कंपनियों का दिया गया, यानी गुजरात की कंपनी ने फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल बनाने का भी जो था वो भी गुजरात की कंपनी का, और उसमें इतना मैसअप कर दिया है कि लोग परेशान है, राम का घर श्याम के, श्याम का घर हनुमान, इस तरह कर दिया है, सलीम का जावेद के, जावेद का इमरान के नाम पे कर दिया है, लोग बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, क्या देश के तमाम राज्यों को
अडानी अंबानी का उपनिवेश बनाना चाहते हैं, गुजरात की कुछ कंपनियों को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, ये एक साजिश है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि तमाम फॉरेस्ट बिल में अमेंडमेंट कर दिया, अभी ये जो यूसीसी ला रहे थे ये क्या है, यह जितने भी आदिवासी इलाके हैं, जनजाति इलाके हैं, उनमें जाकर खनन की खनन देने का काम करना है अडानी को। 370 क्यों हटाया है, 370 इसलिए हटाया है कि लिथियम के पहाड़ मिले हैं लद्दाख में, तो वो अडानी को देना है जो 370 रोकता था, इसलिए 370 घटा दिया। तो ये सब साजिश है, अडानी को जमीन देने के लिए, अडानी को अंबानी को रिसोर्सेस देने के लिए, देश की तमाम राज्यों के रिसोर्सेस देने के लिए सारा एजेंडा चल रहा है। जैसे गुप्ता बंधुओं ने जैकब जुम्मा की मदद से साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया, जनता विरोध की, और आज जैकब जुम्मा जेल में है और साउथ अफ्रीका का गुप्ता बंधु भाग गए, वैसे ही नरेंद्र मोदी का भी हश्र होगा। एग्जाम्पल्स इसके खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वापस उसी पे एक देश एक चुनाव की बहस पर ही आना चाहती हूँ। अनिल जी, सॉरी के रॉय साहब, आपके पास आऊंगी सबसे पहले कि आप क्या कहेंगे अंत में आपसे और अनिल जी से एक कमेंट लूंगी कि एक देश एक चुनाव क्या ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जो इमीडिएट जो लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा अब नहीं होगी क्योंकि एक देश एक चुनाव का शगुफा फेंक दिया गया है और अब इसी के आधार पर बोला जाएगा अब हम चुनाव कराएंगे ही नहीं, देखी जाएगी जब होगा। मैं इस खतरे को पूरी तरह से भांप रहा हूं कि इस देश में एक नए तरीके से और ज्यादा खतरनाक आपातकाल जैसी स्थिति को संवैधानिक सैंक्शन लेकर थोपने की कोशिश करेंगे। एक देश एक चुनाव और कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी कहते हैं ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान को बर्बाद करने का फेडरल स्ट्रक्चर, को फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो इस देश में केवल तानाशाही चलेगी। इस देश में दिल्ली में एक आदमी बैठा होगा शासक, उसके हुक्म से पूरा देश चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी रीजनल पार्टी इसके समर्थन में नहीं हो सकती है। देखिए, जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने राज्य और सूबे के विशेष के खास मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं। आपने 2019 में देखा कि बालाकोट पर वोट मांगा उन्होंने, लेकिन बालाकोट पे नवीन पटनायक नहीं वोट मांग सकते, लालू यादव की पार्टी नहीं वोट मांग सकती, नीतीश बाबू नहीं वोट मांग, उनको तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीब दलित इन लोगों के कल्याण को लेकर उनको वोट मांगना है। तो ये सीधे सीधे रीजनल पार्टी के ताकत को खत्म करेंगे, और जो भी इनकी बैसाखी है चाहे तो दक्षिण में हो चाहे बिहार में हो, ये मोदी जी का साथ देने वाली नहीं है। क्योंकि इनकी राजनीति को आपको याद है कि बिहार के चुनाव में जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा था कि अब इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता नहीं है, अब क्षेत्रीय पार्टियां साल दो साल में खत्म हो जाएंगी। और एक चुनौती दिया था, वो एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस का जो दिमाग है राहुल माननीय मोदी जी का, उसके हिसाब से वो चाह रहे हैं कि ये छोटी मोटी पार्टियां चाहे उनकी गोद में समाहित हो जाए, नदियों की तरह समुद्र में अपने को विलीन कर ले, और नहीं तो ये सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये जो पूरा का पूरा जो हम इस देश का जो संघीय ढांचा है, जो देश के संविधान सभा में काफी बहस मुहावसे के बाद निर्मित किया गया, उसको तहस नहस करने के लिए ये मोदी जी का एक बड़ा सिनिस्टर डिजाइन है, बड़ा क्रिमिनल माइंड है एक तरह से। और इसमें जब लॉ कमीशन ने इसको मना कर दिया कि नॉट पॉसिबल नॉट फीजिबल, तो हु इज रामनाथ कोविंद, ये रबर स्टंप वाले राष्ट्रपति को किसने अधिकार दिया कि इस तरह के कमीशन में उन्होंने कितने लोगों से बात किया। कमीशन में एक भी जज नहीं है, एक भी जूरिस्ट नहीं है, एक भी संविधान विशेषज्ञ नहीं है, और आप गुलाम नबी आजाद टाइप के थके हारे लोगों को बैठा कर आपने तय कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि ये जो विधानसभा चुनाव है इन पर रोक लगाएंगी है, और पूरी की पूरी जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको किसी भी तरह से
ये उसके गति को रोकने का प्रयास करेंगे। ये बहुत खतरनाक, और इसमें कॉरपोरेट इंटरवेंशन इतना बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राज्य में झारखंड में उसमें अडानी को किस तरह से वहां का जो स्लम है, वहां का हंस जो फॉरेस्ट है, अडानी को किस तरह से फ्री हैंड दिया गया है। ये कॉरपोरेट के हित में भी ये बहुत बड़ा ये कदम है। इसमें इस देश के गरीब गुरबा को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए, सारे बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को इसका विरोध करना चाहिए। अनिल जी क्या कहेंगे अंत में? हर तरफ से खतरा मंडरा रहा है और अब लगता है कि महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और इन सारे राज्यों में अब चुनाव नहीं होंगे, और जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं ये फाइनल कुछ साफ संकेत है कि यहाँ चुनाव नहीं होने वाला। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उसमें चुनाव नहीं, ये करा ये नहीं कर पाएंगे। अब ये इनके इनके अब बूते से बाहर हो गया। क्या है ये, आप जरा सिनेरियो ध्यान रखिए। ये जब सोचा था उन्होंने, उस समय लग रहा था कि अब तो उसको पप्पू बना ही दिया राहुल गांधी को, और कांग्रेस को खत्म कर, कांग्रेस से मुक्त करा रहे हैं भारत को। इसके बाद जो है भारत बचेगा, उस भारत पर हम कब्जा कर लेंगे। तो ये संघ परिवार और आरएसएस को लग रहा था कब्जा तो हो गया, अब तो खाली घोषणा करनी है दिल्ली के लाल किले से। वो जो है लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने तो एक बार एक जयशंकर गुप्त जयशंकर ये जो है सो क्या कहते हैं उनका क्या अपने जयशंकर प्रसाद की का एक ये है नाटक है, उसमें एक दृश्य है जिसमें सिकंदर आया हुआ है हिंदुस्तान, तो उसमें दंड एक ऋषि है, वो ऋषि के पास गया पूछने के लिए कि इसको कैसे कब्जा करना है। तो उन्होंने एक ये का क्या कहते हैं बाघ का ये रख दिया, बाघ का चर्म ये छाला, बाघ छाला बोलते हैं उसको, तो वो रख दिया और उन्होंने कहा इस पर चलो। तो वो एक तरफ चलता था, दूसरे तरफ उठ जाता था। तो उसने कहा यही हिंदुस्तान है, मतलब ये जयशंकर प्रसाद का अपना अपना चिंतन होगा, लेकिन उन्होंने उसके जरिए कहा कि भारत में कोई इस तरह से कब्जा नहीं कर सकता है, भारत की विविधता ही भारत को बनाए रख सकती है। ये भारत को तोड़ने के चक्कर में है, और ये जहाँ हर जगह डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये अटेम्प्ट है। हमको लग रहा है कि अब इसको कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव नहीं कराए ये संभव नहीं है। लोग यहाँ तो मतलब बीजेपी रह नहीं पाएगी कहीं, अगर चुनाव नहीं, अगर महाराष्ट्र या झारखंड में हुआ तो दफ्तर उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको मुझको लग रहा है कि संभव नहीं है, लोगों का इतना है इसीलिए। नहीं नहीं अनिल जी, ये भी तो हो सकता है कि भाई बीजेपी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अगर इस तरीके का भयानक फैसला अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी को क्या अस्तित्व से जूझना नहीं पड़ेगा अपने? ये देखिए मैं आपको सोवियत यूनियन में गोरबाचोव ने जो किया था ना, इसके लिए याद रखेगा हमको लग रहा है मोदी जी को, कि उन्होंने बीजेपी नामक एक मतलब संकीर्णतावादी और सांप्रदायिक पार्टी का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि वो जो है जाते जाते ये कर देंगे, ऐसा हमको मतलब उनसे हमको बहुत उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें इसी आधार पर टिकी हैं कि वो उसको जब वो झोला उठा के जाएंगे तो उनके झोले में बीजेपी भी रहेगी, ये पक्का है। वो ले जा करके उसको कहीं भी फेंक दे, लेकिन उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं वो। अरे इससे कोई बीजेपी को कोई एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में चुनाव है, कहीं पर रैली करने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। एक रैली हुई और तीन रैलियां सिर्फ करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ मई के तीसरे सप्ताह में गए थे हरियाणा, और ऐसा आपको याद होगा कि बुलडोजर लेकर के, जैसे लोग कांधे पर हल लेकर के निकलता था, वैसे ही वो बुलडोजर लेकर निकलते हैं कि कहीं भी चला देंगे, और एकदम कर्नाटक तक ले गए थे। तो हरियाणा में कहीं बुलडोजर दिख नहीं रहा है, और ये जो बुलडोजर का क्या कहते हैं नेता है वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो हिंदुत्व की जो ताकत थी उसका आपको अंदाजा लगा लीजिए। वो भी जो अमित शाह भी भाषण इतने अपने भाषण में कहीं भी कोई आंसर नहीं कर पाते हैं किसी चीज का, और आप वो देख ही लिए होंगे जो आपने सुबह फोन किया था कि ये जो है वायरल हो गया है उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, कि सवाल पूछ दिया और जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये हालत है उनकी, और इसके आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन, कौन है नेशन ही आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका फैसला आप कैसे करने वाले हैं? और ये नेहरू जी वगैरह जिनके पास पूरा बहुमत था वो भी
उनको जानते थे कि हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलने वाला है और हमको हम हैं हम जाएंगे, ये रखनी चाहिए ये क्या कहते हैं आपको समझदारी का मतलब इस तरह की का ख्याल की भावना रखनी चाहिए त्याग की, कुर्सी गई तो गई, अब उसको पकड़ के बैठे रहेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन करेंगे, कोई कोई तमाशा करके बैठे रहना है और उसके बाद कह रहे हैं क्या कि हमको तो जनता जिता दी, जो बकायदा आपको कम मिला है 240 मिला सीटें नहीं मिली, उसके बाद कह रहे हैं कि तीसरी बार लोगों ने जीता है, ये भी ऐप एक बार आपको साफ कर दें कि तीसरी बार वाला झूठ है, 60 साल कोई तीसरी बार नहीं, इंदिरा गांधी की भी सरकार आई थी कांग्रेस की सरकार थी 62 के बाद तीसरी बार, वो झूठ बोलते हैं कि 60 साल में नहीं, तीसरी बार सरकार आई थी चौथी बार सर, वो बीच में एक इलेक्शन भी हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई थी सेंटर में चौथी बार कांग्रेस की सरकार, अभी मोदी की सरकार नहीं आती है, बीजेपी की सरकार चुनाव आए वो मोदी को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, झूठ बोले जा रहा है और ये जो अनपढ़ सब आपका मीडिया वाला सब है उसको, उसके लिए आप एक क्लास चलाइए डिजिटल में, उसको कुछ कुछ इतिहास समझाने के लिए जो पत्रकार सब अनपढ़ और ये नालायक सब है उसको एक क्लास लीजिए और हमको कहिएगा तो हम टाइम निकाल करके आएंगे, उनको कुछ कुछ जो हमारी छोटी सी बुद्धि है उससे बताएंगे कि इतिहास जो है इतिहास में बहुत कुछ लिखा, पढ़ोगे तब जानोगे, ये 60 साल में नहीं हुआ है तीसरी बार, वो कांग्रेस की सरकार 62 में आई, फिर उसके बाद 67 में आई, 69 में आई, 77 में हारी जा करके, 71 में एक बार कोई मतलब ये अब 77 में भी 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए आई, उसके बाद बीपी सिंह की सरकार भी जो है बीच में थी, फिर लगातार 3 बार उनकी सरकार आई, 80 में इंदिरा गांधी जीती, 84 में राजीव गांधी जीते और उसके बाद एक बार 89 में हारे और फिर कांग्रेस की सरकार आई, झूठ झाट कुछ बोले जा रहा है और चल रहा है 60 साल में तीसरी बार सरकार आई हमारी, अरे का ऐसा नहीं है, तू अकेले पहली बार हुआ, अकेले नहीं हुआ है ऐसा, और कट ऑफ ईयर आप नहीं तय करेंगे कि 60 साल और 50 साल, वो तय करेगा लोग, इतिहास तय करता है, कुछ से कुछ बोले जा रहा है, इसी तरह से ये आपात का एकदम मैं राय से सहमत हूँ, एकदम उन्हीं की तरह मैं भी चिंतित हूँ कि इसका अगला कदम क्या होगा, आप जो कि देश की के लोकतंत्र को खत्म करने वाला कोई कदम उठाने वाला है ये सरकार उठाने वाली है, ये आप ध्यान रखिए। नहीं, इसके जो 2-3 बड़े पहलू हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या महाराष्ट्र के चुनाव पर बड़ा संकट का बादल फिर चुका है, अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र झारखंड दिल्ली के चुनाव होंगे ही नहीं, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, सब चुनाव एक साथ हो, ये कोई एक बड़ी लंबी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, अब इसको विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगा, इसको पॉलिटिकली सोशली और हर तरीके से इसको कैसे चैलेंज करेगा वो भी देखना होगा, लेकिन जो एक बड़ी बात अनिल जी और रॉय साहब ने भी कही कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी को लोग इस तरीके से रिजेक्ट करेंगे कि हो सकता है कि बीजेपी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाए, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से हो सकता है कि बीजेपी ना गुजरे, क्या जाते जाते मोदी जी अब ये काम भी करके जाएंगे, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है। थैंक यू सो मच के रॉय साहब, अनिल जी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।